रुको जरा, सबर करो भाई। टिकटॉक वाला थंबनेल देखा नहीं? हानी आमिर वाला थंबनेल देख के तो स्त्री एंटी मार दी है मीसनी कुतियों। बड़ा हरामी हो बेटा। हानिया मैम की भी बात करेंगे अभी, पहले हम जरा टिकटॉकर्स को तो पेल लें। अगली बार तूने मुझ पर हाथ उठाया भाई, अगली बार ना पूरी बाई घुसाऊंगा मैं। So what's up guys? रोजमर्रा की जिंदगी की तरह आज हम फिर एक नई बगैर की चीज के साथ हाजिर हुए हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं बताता चलूं, ये है तो ये टिकटॉक टिकटॉकर। कुछ चुस आवाम यहाँ पे सिर्फ अपना जेंडर चेंज करने के लिए आती है। अगर आप टैलेंट देखने की गर्ज से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो समझ लें आपके साथ स्कैम हो गया, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट जनाबी ना होने के बराबर है। भैंस की दुम यकियों के सिवा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना, कतई कख नहीं मिलना। हाँ बस एक फायदा है इसका कि हम जैसे गरीब यूट्यूबर्स को यहाँ से कंटेंट मिल जाता है और हमारा तकरीबन गुजारा हो ही जाता है, देख ही सकते हो तुम लोग। खैर अपनी पहली बगैरती का आगाज करते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर इस पे हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, अगला सलमान भाई का राइट हैंड है, ऐसे लोग अपनी तरीफे करते नहीं थकते। पहली बात तो यार तेरे ख्वाबों में ही क्यों आए, और अगर कोई गलती से आ भी गया तो बस उसकी ऊपर की टिकट ही करनी है जिस तरह तो एकदम सामने आना है। ये अब इसकी अगली चवली जरा देखना। मोहब्बत दिल का सुकून। हाँ जी दसो फिर, यकीन ही ना हो रहा। नहीं, नहीं मानता यार, टिकटॉक पे लल्ली मुसल्ली लोग मुजरे करके 2-3 महीने बाद लड़कियों से क्लैप करने लग जाते हैं। खैर सारे टिकटॉकर्स की बात नहीं कर रहा मैं, और हम यहाँ पे जी यूट्यूब पे 4-4 घंटे लगा के एक वीडियो को रगड़ा लगा लगा के कख नहीं बनता हमारा, और अगर हो भी जाए तो वो भी चांस पे के 4 साल बाद या 2-3 साल बाद जाके मनुष के यहाँ एक कम सेट होता है। कौन है, कहाँ से आते हैं ये? आए जी जादू के प्लान। खैर ये भी छोड़ो, वो अगली अन्नी लड़की उसको अपने दिल का सुकून कहने लगी है। खैर जो भी है, अगले लड़के की तो मुझे लग ही गई ना, दफा करो यार, अगली चूस की तरफ चलते हैं। जी नादरीन, जैसा कि आपने देखा दोनों ने यहाँ अपना बहुत खूब किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में सेंस नाम की कोई चीज नहीं है, टैलेंट तो गया खैर तेल लेने। यार पहले तो तुम मुझे ये बताओ, सॉरी मुझे नहीं, बिकॉज नॉट इंटरेस्टेड, मुझे सुनना ही नहीं है। मतलब यार तुम खुद बताओ, कोई सेंस लॉजिक नाम की कोई चीज है इस वीडियो में जो जहाँ आके परले दर्जे की बगैर थी इनसे करा लो भाई, कर लेंगे। वैसे यार अल्लाह माफ करे, पहले कुछ बेवकूफ ऐसे होते थे जो अपना जेंडर चेंज कराने के लिए लख लख रुपए लगा लेते थे, और अब कोई मसला ही नहीं है भाई। अब जनाब टिकटॉक पे आओ, 2-3 रातें गुजारो, अपने आप जेंडर चेंज, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, उल्टा पैसे मिलते हैं भाई। बस अब अगला जमाना है ही टिकटॉकर्स का। और भाई जहाँ तक मेरी बात है, आज से 2 साल पहले मैं भी टिकटॉक पे था, 3 साल पहले यानी 4 साल, तब ये हालात नहीं थे टिकटॉक के, तब जरा 0 मीटर नया नया टिकटॉक आया था, और जैसे ही यहाँ पे खुसरापंती शुरू हुई मैंने दस्ती अपना टिकटॉक अकाउंट बंद कर दिया। तो कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो पिछले दिनों फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी ये शोर्स आने लग गए हैं जहाँ पे अब ये लोग आके हगेंगे, यहाँ पे भी आके हगेंगे ये लोग। अरे शर्म करो, बाकी बातों की बातें। खैर जब भी हमें कंटेंट की जरूरत होती है ना तो बस टिकटॉक खोल लो, बस कंटेंट ही कंटेंट मिल जाएगा, अभी पूरे हफ्ते की वीडियोस का इंतजाम हो जाता है। अब जैसे इन मोहतरमा को देख लो, टैंकी में पानी खत्म हो गया, मसला ही कोई नहीं, बोतलों से नहा लो भाई। भाई ये बोतलें किस लिए हैं भाई, हम तो नल्ले हैं, हमें पता ही नहीं, हम तो नहाते ही हैं इससे, हम पीते हैं इसको, जबकि कल से मैं भी इसे नहाऊंगा भाई, पीऊंगा नहीं नहाऊंगा। मैं घर वालों को भी कहता हूँ भाई नहाया करो, ये मोहतरमा साहब हैं, ये साइंसदान है। यार इस बांदरी ने जो भी किया ना, ओनली फॉर लाइक्स भाई, लाइक्स के लिए कल को ये तो गटर में छलांग मारने के लिए तैयार है भाई। टिकटॉक पे ना आपको हर कैटेगरी में चूस मिल जाएगी, हर कैटेगरी में चवली मिल जाएगी, जैसी चवली आप देखना चाहते हैं मिलेगी आपको, टेंशन ही कोई नहीं, कोई मसला नहीं। नॉनसेंस वीडियो चाहते हैं, नॉनसेंस वीडियो मिलेगी, अगर आप लॉजिक बेस्ड वीडियो चाहते हैं या इलॉजिक बेस्ड वीडियो चाहते हैं आपको मिलेगी, मिलेगी जरूर। अब जैसे इस वीडियो को देख लो, एक बार फिर से जरा ना, ना 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 ना, ना तालियां नहीं रुकनी चाहिए। भाई साहब, जनाब
सब बात से तालियां बहुत हो गई हैं। एनीवेज खैर इस तरह के जूबे तो खैर बहुत हैं टिकटॉक पे। कोई अपने ऊपर बोतल फेंक रहा है, कोई जनाब साहब मिर्चे खाने लगा हुआ है सिर्फ दो नंबर टट्टी लाइक्स के लिए, और ये भाई साहब ये अलग ही नशे हैं। टिकटॉक पे हीरो बनने के लिए अपने ऊपर सप छोड़े हुए हैं। पुत्र एक भी सप अगर लड़ गए ना तो ये पिछवाड़े पे सारी जिंदगी के लिए कब्ज़ हो जाएंगे। फिर देता फ्री डॉक्टरों को अपनी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। खैर आते हैं बहानियां आमिर वाली बात पे आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बात तो यार देखो हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज शी इज अ बिग सेलिब्रिटी इन द इंडस्ट्री। बट देखो यार मैं किसी को इधर बुरा भला नहीं कह रहा। दूसरी बात यार अब वो जो वीडियो है वो वाली जिसपे वो हानिया लेटी है जो भी है, बट यार देखो यार वो लोग एक ओपन माइंडेड लोग है, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं रखती, उनके लिए ये चीजें वैल्यूएबल नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं वो वीडियो लीक हुई है, जो जनाब भाई लीक लूक हुई नहीं है वो वीडियो, भाई एक तरह से पब्लिकली उन्होंने वीडियो अपलोड की है अपने पूरे होशो आवाज में। तो यार वो ओपन माइंडेड लोग हैं, उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं रखती। मैं पहले भी बता यार अब जैसे देखो एक पठान की बीवी हमेशा सच बात है कि वो बुरका पहन के फिरती है, अपना मुंह तक नहीं दिखाती। पठानों को तो खुद अपनी बीवियों की शक्ल याद नहीं होती। और दूसरी तरफ एक और लड़की है जो बुरका भी करती है, मतलब दुपट्टा लेती है, मतलब पूरा मुंह नाक नहीं ढकती, पर वो भी है शरीफ है, वो भी शरीफ। तो अब दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या हम कहेंगे वो जो उसने बुरका पहना हुआ है वो अल्लाह वाली है, ये है वो है, जो जिसने सिर्फ बुरका पहना हुआ है और मुंह नहीं ढका हुआ वो अल्लाह वाली नहीं है? यार ये बस फ़र्क होता है। अब आपको मेरी बात का मतलब समझ आ गया होगा, मैं सही तरह नहीं समझा पा रहा, बट बताने का मकसद सिर्फ यार यही है कि एक दफ़ा लाइव हानिया मेरी आई थी, लाइव आई थी, ठीक है। तो अब किसी ने आके वहाँ पर बगैरती की, कमेंटमेंट किया, जो भी किया, मुझे इतना नहीं पता। तो अब यार जो भी वो हरकत जिसने भी की थी ना, खैर वो बहुत ही घटिया हरकत थी, बगैरती थी वो, एक तरह से बगैरती थी। बस नहीं करना चाहिए था यार, बस अल्लाह आपके ऐप छुपाता है ना, ठीक है, आप दूसरों के ऐप छुपाओ, ठीक है। अल्लाह आपके ऐप इसलिए छुपाता है। अब यार लोग कहेंगे फिर मौलवी बन गया बोता अपने वालों, अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ इंजॉय करो, टेंशन नहीं वहाँ पे जो भी हो रहा है, बस उसको देखो इंजॉय करो। आप लोग ऐवी पीठ में उंगल जरूर आप होती है। खैर मैंने जो अपना ओपिनियन देना था मैंने वो दे दिया, आगे आपकी थिंकिंग है, आपकी थिंकिंग जो सोचती है जैसा आप सोचते हो वैसे ही, बस बस छोड़ो यार। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को पता ही है क्या चूस मारनी है। नाउ गो एंड किल द सब्सक्राइब बटन। अल्लाह हाफिज़।